हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए टाटा टिगोर का फर्स्ट सर्विस मैं कराने जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली ही परचेज़ किया है टाटा टिगोर को, तो उसी का फर्स्ट सर्विस का वीडियो मैंने बनाया, तो सोचा डाल दूँ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ये वीडियो है कि फ़र्स्ट सर्विस में क्या क्या होते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होते हैं। जो नए नए गाड़ी लेते हैं उन लोगों को नहीं पता होता है कि फ़र्स्ट सर्विस में क्या क्या होते हैं, तो वही आज मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। और ये सर्विस मैं आइडियल मुजफ्फ़रपुर से करा रहा हूँ, ये पटना वाले रोड में है। मुजफ्फ़रपुर से पटना की तरफ जो रोड जाती है वो सकड़ी में आइडियल टाटा करके नाम है शोरूम टाटा की, तो वहीं पर मैं सर्विस कराने जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली ही 2-3 महीना पहले ओपन हुई है। बाकी मैं इस पर वीडियो भी ला रखा हूँ टाटा शोरूम पे बहुत सारी गाड़ी की, तो अगर आपको कोई परचेज़ करना हो तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, तो जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट सर्विस कराता हूँ टाटा टिगोर की। हालांकि फ़र्स्ट सर्विस में कुछ होता नहीं है, नॉर्मल सी चेकअप होती है। ब्रेक वगैरह अगर लूज़ होते हैं तो उसको टाइट कर दिया जाता है क्लच वगैरह मिला के, और थोड़ा गाड़ी को टेस्टिंग पे लेके जाया जाता है कि कोई दिक्कत कहीं से साउंड वगैरह तो नहीं आ रही है, कोई भी नॉइज़ किसी चीज़ की। तो यही सब बेसिक चेकअप होते हैं फर्स्ट सर्विस पे। कोई इंजन ऑयल वगैरह चेक नहीं होते हैं इस सर्विस में, ना ही कूलेंट वगैरह कुछ भी चेंज होंगे। अगर कोई आपको दिक्कत लगती है गाड़ी में जब आप ड्राइव करोगे, 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस होती है, लेकिन हमारी गाड़ी कुछ ज़्यादा चल गई हो, ऑडोमीटर में आपको दिखा दूँगा, तो आप लोग कराएँ फ़र्स्ट सर्विस ईज़िली। आप शोरूम में ही आपको होगी फ़र्स्ट सर्विस, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करने होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सिनेमैटिक और रोड व्यू इन्जॉय करो, तब तक मैं शोरूम पहुँचता हूँ। तो यही शोरूम है आइडियल मोटर्स, टाटा मोटर्स, जो कि मुजफ्फरपुर में है। यही साइड से रास्ता जाता है सर्विस पे, जो कि आपको मैं वो भी लेके चलता हूँ, वो भी रास्ता आपको दिखा दूँगा। और यहाँ पे ट्रक वगैरह सबकी सर्विस होती है। कार की अभी रिसेंटली ओपन हुई है, ट्रक की यहाँ पे पहले से थी, तो लास्ट में जाके सर्विस होते हैं टाटा की। तो बने रहें वीडियो में, सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। मैंने फुल्ली डिटेल में दिखाने का काम किया है, बाकी अगर जिसको अच्छा नहीं लगता है वो यहीं से जा सकते हैं। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से वीडियो सोचा कि डाल देता हूँ। जो लोग नए होते हैं, फ़र्स्ट टाइम बायर होते हैं कार की, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत फेस करते हैं कि फ़र्स्ट सर्विस में क्या होगा, उन्हें नहीं पता होता है क्या ज़रूरत चीज़ होती है करवाने का नहीं करवाने का, वो सब चीज़ इसमें होते हैं। तो मैं सोचा कि आपको दिखा देता हूँ। और फर्स्ट सर्विस में आपको AC फ़िल्टर भी साफ़ होता है, फ़िल्टर भी साफ़ होता है, वो सब बेसिक चेकअप जो होते हैं वो सब कुछ आपको किया जाता है फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस पे, और थर्ड सर्विस पे आपको इंजन ऑयल वगैरह चेंज किया जाता है। तो थर्ड सर्विस भी मैं आपको दिखाऊंगा और सेकंड सर्विस भी आपको दिखाऊंगा। सब कुछ आपका आपको मिलते रहेंगे कंटेंट। और भी अगर टाटा टिगोर रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट कर दें। और ये बेस मॉडल है। कोई दिक्कत नहीं, सीख रहा है अभी, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेस नहीं दे रही है गाड़ी, तो वही टेस्टिंग वगैरह लेके गए। ये देखिए आइडियल मोटर आपको इतने बड़े से देखने को मिलेंगे,
जस्ट रिलायंस पेट्रोल के अब पेट्रोल पंप के अपोजिट और होंडा शोरूम के पहले ये पड़ती है। तो गाड़ी टेस्टिंग पे निकल गई है, तब तक आप सिनेमैटिक व्यू एंजॉय करो। ये देखिए खींच के जा रहे हैं गाड़ी। तो आप टेस्टिंग पे आ गए हैं, टेस्टिंग से वापस फिर से सर्विस पे जा रहे हैं। उनको कोई भी दिक्कत नहीं आया, बस बोले हल्का ब्रेक लूज़ हो गया है तो ब्रेक को एडजस्ट करवा देते हैं, बस उनको और कुछ इशू नहीं इसमें फेस हुई। तो ये गाड़ी चला ही कहाँ ज़्यादा, 1600 किलोमीटर में क्या ही दिक्कत आएगी, सब कुछ ओके ओके है। लेकिन टाटा कहती है 30 की माइलेज ये निकालती है, लेकिन मुझे 15-16 से ज़्यादा ये कभी दी नहीं है, ना ही देती है। मैंने 3-4 बार टैंक फुल करा रखा है, फिर भी फिर से सर्विस पे आ गई है गाड़ी। ये देखिए अब वॉशिंग पे जा रही है गाड़ी, पहले वॉशिंग होती है उसके बाद ही इन सर्विस बे पे जाती है गाड़ी चढ़ के। पहले वॉशिंग होती है, वो भी मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आपको इंटीरियर क्लीनिंग पहले हो रही है, वैक्यूम वगैरह सब कुछ होते हैं और पॉलिश वगैरह से सब कुछ साफ़ किए जाते हैं, ब्लैक पार्ट ये सब कुछ इंटीरियर सब के, जो कि आप देख रहे होंगे पॉलिश से कैसे साफ़ कर रहे हैं। देखिए स्टेपनी तक साफ हो किया जा रहा है इंटीरियर में, काफ़ी अच्छा क्लीनिंग प्रोसेस है आइडियल मोटर्स की, काफ़ी काम अच्छे से किए जाते हैं। अभी नए नए खोले हैं तो काम तो अच्छा देंगे। हम लोग के इधर पे 2 शोरूम हो गए, यशराज और आइडियल मोटर्स। ये देखिए वॉशिंग भी कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग या रोबोटिक वॉशिंग आप इसे कह सकते हैं, जो भी कह लो आप अपनी भाषा में। तो वॉशिंग भी इंजॉय करो आप गाड़ी की। आपको वॉश देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी लगती है और गाड़ी भी प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाते हैं इस प्रोसेस में। प्रेशर भी काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे आपको। वॉशिंग अल्टीमेट यहाँ पे होती है, इसलिए मैंने भी फीडबैक में वेरी गुड दे दिया है उन्होंने, उनको दिया मैंने फीडबैक, क्योंकि वो भी मैं दिखा दूँगा आपको, वो भी मैंने पार्ट रिकॉर्ड किया है। तो पहले आप वॉशिंग इन्जॉय करो। देखिए इस तरीके से पहले गाड़ी पर फोम को डाला जाता है, उसके बाद फिर से हाई प्रेशर वॉश गाड़ी पे होगी और गाड़ी अब धुल गई है। उसके बाद गाड़ी नीचे उतर के अब सर्विस पे जाने के लिए गाड़ी रेडी हो गई है। सॉरी अभी पहले गाड़ी को क्लीनिंग किया जाएगा, साफ़ सुफ किया जाएगा, पोछा जाएगा, उसके बाद इसे हवा हवा मार के गाड़ी को सुखाया जाता है। उसके बाद ही कुछ स्टेप आगे बढ़ेगी सर्विस पे, ज़्यादा कुछ होते नहीं है, बस यही जो टाइम लगता है आपको वॉशिंग पे ही टाइम लगेंगे और थोड़ा नॉर्मल बेसिक सी चेकअप होती है। और इंजन पे भी इस तरीके से हवा मार के गाड़ी को सुखाया जाता है अंदर से, कि इंजन पे कोई पानी वानी ना जाए इस तरह से। As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you. दोनों तरफ से कपड़ा लगा दिया जाए तो उसके बाद आपको फ़िल्टर साफ़ कर देंगे, एसी फ़िल्टर और इसके गाड़ी के फ़िल्टर दोनों साफ़ होते हैं। उसके बाद जैक से गाड़ी को ऊपर की तरफ उठाया जाता है जो कि नीचे से देखा जाता है, कोई दिक्कत सी नहीं आ रही है। इंजन ऑयल बोल्ट वगैरह लीकेज तो नहीं है, तो वो सब चीज़ देखा जाता है। यहाँ ये फेंडर, ये बम्पर नीचे से रगड़ खा चुकी है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है इसी वजह से, और हमारे गाँव वाले रोड में इधर उधर पर टच हो ही जाते हैं। गाड़ी इस तरीके से देखिए, वो चेक कर रहे हैं नटवल्ट उसका, टाइट टूट कर रहे हैं जो चीज़ अगर ढीला उन्हें लगता है कि हुआ होगा, क्योंकि मैकेनिकल चीज़ है, ढीला ढाला हो ही जाता होगा। इस पर्पज़ से वो अपना सब कुछ अपने अनुसार, सर्विस तो अच्छा कर रहे हैं, A1 क्वालिटी का सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरे 100% सेटिस्फाइड हैं इस सर्विस से। पर उसके बाद एक ही चीज़ से दुखी हूँ कि वो मना कर देते हैं वीडियो बनाने के, लेकिन फिर भी मैंने अपने जीत पर बनाया, बोला ठीक है देख लूँगा, जो होगा सो होगा। अब गाड़ी देखिए डाउन आ रही है नीचे, बस इतना ही देर का प्रोसेस होता है फर्स्ट सर्विस में। उसके बाद एयर प्रेशर चेक होगा गाड़ी का, टायर का। गाड़ी को लेके जाया जाएगा वहाँ पे टायर का प्रेशर चेक करने के लिए, अगर कोई भी टायर में हवा कम होंगे तो उसे फिल करके इक्वल कर दिया जाएगा। और ये सब गाड़ी में शायद 28 या 29 PSI चारों टायर में हवा पड़ती है, हमारे डिज़ायर में 29 PS हवा डलती है, बाकी स्टिगोर में भी आपको 29 PSI डलती है। बाकी मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मैं देख लूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अगर डालूँगा सर्विस का तो उसमें आपको बता दूँगा। मेरे ख्याल से 29 ही डलती होगी इसमें, ये बेस मॉडल है, सबसे बेस मॉडल है XC, इसके नीचे और कोई भी मॉडल नहीं है, तो मैंने जान बूझ के ख़रीदा है। इसे मॉडिफाई करूँगा फ्यूचर में, वो सब आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो बस यही नॉर्मल सर्विस थे, निकल गया गाड़ी, उसका टायर पॉलिश वगैरह सब कुछ इस पर मारते हैं, जो भी ब्लैक पार्ट है उस पर पॉलिश लगाया जाता है और गाड़ी को चमका दिया जाता है। ये देखिए इस तरीके से आपको चमक देखने को मिलेगी गाड़ी की, साफ भी A1 क्वालिटी के किए हैं, देखिए गाड़ी कितनी चमक रही है। हालांकि 15-20 दिन हुए ही हैं गाड़ी के, ज़्यादा दूर तो गई नहीं, 1600 किलोमीटर चली है तो क्या ही होंगे। बस एक नॉर्मल सी वो गाड़ी सट गई थी गेट में, इसी वजह से आगे की फेंडर पचक गई है, तो वो भी ठीक हो जाएगा जल्द से जल्द। वीडियो ना बनाइए भाई, आप कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपने चीज़ का बना रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है। गाड़ी है उसके लिए खरीदे हैं तब ना, बेस मॉडल खरीदे हैं। आप लोग सुने ही होंगे, वो सर्विस का बंदा बोल रहा था सर वीडियो मत बनाइए, लेकिन उसे मैंने फिर से दोबारा बोला, फिर मैं झाड़ दिया उसे, तो मैं अपने चीज़ का बना रहा हूँ, तो आप लोग सुने होंगे इसलिए मैं फुटेज डाल दिया हूँ। भैया मैं अपने चीज़ का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना ही अदर कोई कार आपको मैं इस वीडियो में दिखाया हूँ, ना ही किसी की सर्विस दिखाया हूँ, ना ही किसी को डिसरिस्पेक्ट किया हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है। मैं अपना चीज़ दिखा रहा हूँ इसमें, मैं 7-8 लाख 10 लाख जो मैं इसमें लगाया हूँ, तो मैं अपना चीज़ दिखाया हूँ कंटेंट के लिए, तो इसीलिए मैंने उसे बताया। ये देखिए ये पेपर था, नंबर टेम्प्रोरी नंबर, क्योंकि वॉशिंग पे वो नंबर पेपर की थी तो हट गई थी, इसीलिए इस बार दिमाग लगाया तो बोला अंदर से ही चिपका दो, फिर वो कभी तक उड़ेगी नहीं, लाइफ टाइम हो जाएगी जब तक INDI नंबर प्लेट नहीं आती है तब तक। और कोशिश है इस पर भी 7201 नंबर चढ़वाऊँ, BR06 जो मेरे डिज़ायर पर। और देखिए लेबर कॉस्ट आपको 00। अब
हम लोग सर्विस करा के निकल गए हैं। और बता दूं चार्जेस वगैरह के इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुए, लेबर कॉस्ट ये सब कुछ मिला के जीरो, जो कि मैं फ़ोटो आपको डाल ही दिया था अभी जस्ट, वो आप लोग देख ले। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई भी टाटा टिगोर एक्सी बेस मॉडल है ये सबसे कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप बेहिचक कमेंट कर दे, मैं उस पर ट्राई करूँगा वीडियो लाने का। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।